अरे ले 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 बच्चा, सो जा बेटा। अच्छा ये तो बताओ आपको कितने पैसे मिले? कुछ नहीं मिले। हाय राम, कुछ भी नहीं? अब कैसा होगा? बच्चों ने दो दिन से कुछ नहीं खाया और सब लोग तो कहते हैं पता नहीं तुम्हारा पति कुछ कमाता भी है या नहीं। अब जब हमारी कमाई नहीं हुई है तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे भला? ठीक कहती हो तुम। हाँ लेकिन भगवान है तो सब कुछ भला होगा, चिंता मत करो। बिल्कुल तुम तो मेरी बात समझ गई ना। बहुत जल्दी हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा? कुछ दिनों में मुझे बहुत एक अच्छा काम मिलने वाला है, तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ हाँ, हमारे नेकी पे भरोसा रखो। भगवान का लाख लाख शुक्र। हाँ, मेरी एक पंडित से मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमारे बच्चों के बारे में भविष्यवाणी की। सच में? हाँ। अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत अच्छा होगा। और ये जो है ना मेरे हाथों उन्होंने भेजा है, ये देखो। हाँ। ये जो है ना इनके हाथ में बांधना है। आप ही जाके बच्चों को पहना दो। हाँ। हाँ? इस वक्त कौन आ सकता है? तुम रुको मैं देखता हूँ। जी अच्छा। अभी तक नहीं आ रहा है वो, एक बार आ जाए तो मैं देखता हूँ उसको। साला मर गया होगा कहीं पे, शायद वो नहीं आएगा। क्या बोल रहे हो तुम? अपना मुंह बंद रखो। सेठ मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके इंतजार किए बिना हम यहाँ से निकल चलते हैं, इसी में हमारा भलाई है। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे पता है आप हमारे माँ बाप हो। कोई है यहाँ पे? अरे रुको, कोई तो आ रहा है। चलो चलो जल्दी जल्दी छुप जाओ कहीं पे, जल्दी। कौन है? कौन है? गोली की आवाज। कौन है? कौन हो तुम लोग? चुप रहो, अगर किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तू? हमने उस बुड्ढे को मार दिया। हाय राम, तुम लोगों ने मेरे पति का खून किया। नहीं, नहीं, नहीं! इसे भी खत्म करता हूँ। अरे रुक जाओ, अरे इसे अभी मत मारो। अरे इसे मारने से हम फंस सकते हैं अगर ये जिंदा रही, समझ गया ना? चलो यहाँ से निकलते हैं, चल।
आजा बेटा, आजा 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 आजा। ये बच्ची कहाँ से आई? अरे पता नहीं कहाँ से आ गई गाड़ी में। मैंने देखा तो मैं हैरान रहा। देखो कितनी सुंदर है। हाँ। तो लाओ इसे मुझे दे दो। हाँ, 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 इसे हम अपने साथ घर ले जाएंगे। हाँ, हाँ, ठीक 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 कहते हो तुम। चलो चलो चलो। हाँ। अरे हम नहीं छोड़ेंगे तेरे को। अपने को क्या समझता है? देख। अरे रुक जा बाबू, देखो तो जरा। शेरनी में शेरनी, जंगल के में शेरनी। ए बाजू हट। ए हट। आ। ले लो ले लो, खिलौने ले लो, हाथी चिड़िया भालू ले लो। तू आना। खिलौने ले लो, हाथी ले लो, भालू ले लो, गधा ले लो, ले लो खिलौने ले लो। ए अरे चमो चलो, खिलौने किसको बेचने चली रे तू? ये खिलौना छोड़ और हमारा खिलौना बन जा, तेरी जिंदगी बना दूंगा। ये डमरू बजा के सुंदरी। बढ़ाया डमरू बजाने वाला। अरे तू समझे नहीं, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। एक बार देख तो मेरी तरफ। बजाऊं? तेरा ये थप्पड़ मैं हमेशा याद रखूंगा। कोई बात नहीं, इस थप्पड़ के बदले मैं तुझे प्यार करूंगा। और बजाओ क्या? बजा ले प्यार से। चुप, बदतमीज कहीं का। डमरू लेगा पागल दिल का पागल। अरे हमें भी खुश कर दे। भागो यहाँ से। खिलौने ले लो भालू। ए बुड्ढे, अब क्या चाहिए तुमको? ए चल भाग। ए बुड्ढे और थोड़ी सी दारू दे दे यार, अभी मेरा मन नहीं भरा। चल जा यहाँ से, तंग करता है साला। और थोड़ी सी दारू दे दे, मैं तेरी पूरी। अरे तू कैसा बकवास कर रहा है रे? समझ रहा है क्या अपने आप को तू रे? अरे तू मुझे तू क्या तुझे एक लगाऊं क्या? हां तेरी ए मेरे बाबू का। आजा आजा, बड़ा आया। शाबाश बेटा। अरे अरे शेरू मेरे पीछे लग गया।
बापू, ये आज की कमाई। अच्छा तो बापू आज खाना क्या पकाऊं? तुझे जो अच्छा लगता है वही बना ले। मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी खा लूंगा मेरी माँ। मुझे हमेशा तेरी चिंता लगी रहती है, कब मैं तेरे हाथ पीले करूँ हमेशा सोचता रहता हूँ। देखो बापू, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और सच में अगर शादी करके चली गई ना तो फिर मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों कहा। हाँ, मेरी अभी उम्र हो गई है, ना जाने कब क्या हो जाए, जिंदगी का क्या भरोसा। बापू। हाँ बेटी, तू एक बार शादी के लिए हाँ कर दे, मुझे चैन मिलेगा। थोड़ा जल्दी करो, कोई आ जाएगा। फिर है यहाँ से गुजर रहे थे, जहां तक नजर जा रही है ये सारी जमीन मेरी है, समझे? तो क्या हुआ, तुम मेरे जमीन में घुसपैठ कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। देखिए हम शराफत से जा रहे थे, चलो चलो चलो। रुको रुको, क्या है इसमें? कुछ नहीं, इससे आपको क्या मतलब? अच्छा, तुम इस तरह से छुप छुपा के लेके नहीं जा सकते हो यहाँ से? ओ, ये देखिए, ये शाबाश शाबाश। बेटी, लगता है शहर से कुछ लोग आए थे, उन्होंने इसको मारा होगा। लेकिन मेरे बापू ने उनका क्या बिगाड़ा था? वही तो पता करना है। लेकिन तू चिंता मत कर, वो जो कोई भी होगा उसे मैं जान से मार डालूंगा, ये मेरी कसम है। पर तू रो मत, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और जरूर लूंगा। मैं अपने बापू के खून का बदला जरूर लूंगी। हाँ। रो मत बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। तो जवानी है। अरे इससे क्या मतलब, हमें तो बापू से मतलब है इसके। बापू घर पर नहीं है। घर पर नहीं है, कुछ बोल के तो गया होगा, कहाँ पे गया तू बता दे मुझे। पता नहीं, वो किसी काम से बाहर। तो क्या हुआ, हम लोग तो है यहाँ पे, बापू नहीं है तो क्या हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो हो ना, तुम्हारे साथ वक्त बिताएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारा बापू हमेशा हमसे दारू का पैसा लेता है, क्या वो तुम्हारा बाप चुकाएगा या फिर तुम चुकाओगी? बोलो बोलो बोलो। ये सब गलत है। मुझे लगता है तुम झूठ बोलती हो, हम अंदर जाके देखते हैं। अरे रुकिए तो, सर सुनो तो, ठहरिए।
जिसने आपको धोखा दिया है क्या वो अभी तक जिंदा है? तुमको क्या मतलब जिंदा और मरे? रुको, तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? हाँ, अरे इनके साथ मैं बात करता हूँ। जाओ, तुम जाके चाय बना के लेके आओ। जाओ जाओ जाओ, जरा अच्छी चाय बना के लेके आना, ठीक है? देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे ना 5,000 दे दो। 5,000 से काम चला। देखो देखो, फिर से पैसा मांग रहे। आपकी बार तो सही तो है। 2,000 ले लो, बाद में 5,000 ले लेना। तुमने जब जब मांगा हमने तो दे दिया। मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, ये तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुमको 5 क्यों, 10,000 चाहिए? बोलो बोलो बोलो, अभी चुप क्यों हो? मतलब गुस्सो करो मेरे लिए, क्यों नहीं समझ रहे? मुझे नहीं समझना है। तुम लोगों ने जब जो बोला मेरे बारे में सोचा कभी? अरे मेरे लिए कुछ तो सोचो तुम। नहीं 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 है, ले लो ले लो, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी इतना तुम ले लो, बाकी मैं तुमको देता हूँ बाद में, ठीक है? ये पकड़ो, चलो चलते हैं। चल चलते हैं। अरे चाय तो पी के चलते हैं। अरे चाय को मार गोली, बहुत काम पड़ा है, चल। आप लोगों की चाय। तुमने इतनी देर कर दी, लोग तो चले गए। छोड़ो, आपने फिर उनसे पैसे लिए ना? नहीं नहीं नहीं, वो लोग तो मुझसे मिलने आए थे, बस और कुछ नहीं। हाँ हाँ, अब आप उसे झूठ भी बोलने लगे। आपको पता है अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो ये सब बिल्कुल नहीं होने देती। अच्छा हुआ ये सब देखने से पहले वो चली गई। ना बेटी मत रो, अब की बार ले लिया मैंने, और आगे से नहीं लूंगा, ठीक है? तू जैसे बोलेगी वैसे करूं। याद रखना बाबू, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपने माँ के पास चली जाऊँ, ये सब अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटी सेठ, ये देखो क्या लेके आया। खिलौने ले लो, हाथी ले लो, भालू ले लो, खिलौने ले लो। हाय मेरी जान, कैसी है रे तू? आ गया फिर से? तू मुझे जानता नहीं है। तूने ये मेरे हाथ में खंजर देखा ना? अगर ज्यादा फुदका ना तो तेरा गला। मेरी गाड़ी, मेरे खिलौने, अरे अब मैं क्या करूं? मेरे खिलौने, मैं लुट गई, अब मैं क्या करूं? अंधी है क्या? बापूजी, आपने तो मेरे सारे खिलौने तोड़ दिए, अब मैं क्या करूंगी? तू खिलौने की बात कर रही है? देख मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसका पैसा कौन देगा, बोल। मैंने कोई जान बूझ के ना गाड़ी खड़ी की थी रास्ते में, मुंह संभाल कर बात करना। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे इस तरह से बातें बोले। एक तो मेरे सारे खिलौने तोड़ दिए और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। तू और तेरे खिलौने, देख मैं तेरा क्या करता हूँ। नाटक पे नाटक किया जा रही है तू, देख देख देख। अब मैं देखती हूँ कैसे जाते हो। हटा इस कचरे को मेरी गाड़ी के सामने। चला गाड़ी, लड़की हट सामने से। चला, देख मैं क्या करता हूँ अभी। जा 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 जा। अरे हाथी, लगता है हमारी आज पोल खुल गई है। उस लड़की ने गाड़ी में मुझे देख लिया होगा उस हाथी के साथ। अब क्या होगा भगवान जाने। अरे आपको गलतफहमी होगी, वो लड़की नहीं थी। नहीं 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 नहीं, वही लड़की थी। वही जवानी, वही खूबसूरती जिसे देख के मैं पागल हो जाता हूँ। लगता है उसे रानी बना के अपने। सही कहा आपने, सही, बिल्कुल सही कहा। आपको मैं एक तरकीब दूं, उस लड़की से शादी करके बच्चे की माँ बना दो। अरे पागल, अरे तुझे इतना आसान लगता है ये काम करने को? अरे आपको कहाँ कुछ क्या करना है, सब कुछ मैं सेट कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो आप।
अरे कोई है क्या घर पे? हाँ लगता है कोई नहीं है घर पे, तो वापस चलते हैं हम। अरे आ अंदर आ, आज तो हम कुछ फैसला करके ही निकलेंगे घर से। हाँ बुढ़े ने अब तक जो पैसा लिया है उसका हिसाब किताब रहा, आज तो हम कब्जा करके ही रहेंगे। अरे चाचा क्या हुआ? हा? तेरे बापू ने हमसे बहुत सारा पैसा लिया तो? इसलिए घर कब्जा करने के लिए आए। क्या हुआ, कहीं आप पागल तो नहीं हुए? पागल? तेरे बापू को बुला, मेरे से बहुत बार 5-5 हजार करके पैसा लिया है, अगर वो सूद समेत पूरा पैसा लौट आया नहीं तो ये घर मेरा। तुम ये बापू का सारा कर्जा उतार सकती हो, पर तुम्हें एक काम करना होगा, तुम चाहो इनसे शादी कर लो और सारा कर्जा माफ हो जाएगा। देखो तुम सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, इससे तुमको फायदा ही फायदा है। एक तो तुम्हारे बाप से छुटकारा मिल जाएगा और हमेशा तुमको खुश। ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारे बेटी की उम्र की ही हूँ मैं, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अपना नहीं कम से कम अपने उम्र का तो लिहाज करो, निकल जाओ यहाँ से, चलो दफा हो जाओ। ए जाति का रुक, देखता हूँ आज तुझे कौन बचाता है। छोड़ दो। आज के बाद अगर नहीं तो कभी नहीं करूंगा ऐसा। नहीं 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 नहीं, माफ कर दो मुझे, जान ये रिवॉल्वर देखी ना? नहीं, मुझे मेरे सेट ने कहा ये सब करने के लिए, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। सच कहा, मुझे भी उससे अपने बचपन का बदला लेना है। आज नहीं तो कभी ना कभी तो मेरे चंगुल में फंसेगा जरूर। ठीक कहा आपने, बहुत जल्दी आएगा वो दिन, मुझे उसी दिन का इंतजार है। ये रहा मेरा इक्का, और ये मेरी बाजी। तुम्हें ये सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। पूछो पूछो क्या? पैसा और दारू मेरी जिंदगी है, समझे क्या? तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए राजी हूँ, मुझे सिर्फ पैसा और दारू चाहिए, बस और कुछ नहीं, समझे क्या? आप ठीक कहते हो है ना? तू अपनी लड़की को नचवाएगा तो तू बहुत अमीर होगा और लोग बहुत पैसा उड़ाएंगे। अरे ज्यादा सोच मत और मेरी बात मान, लड़की को मनवा ले, तेरा समस्या चुटकी में खत्म हो जाएगा। ए, क्या गलत सलाह देता है रे इसको, ये मेरा ससुर बनने वाला है, समझा क्या? तू कुछ भी बकवास कर रहा है इसके साथ, अरे तुझे इनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। तो फिर ये सब क्या है, है? आप इनकी बात छोड़ो।
ले चल उठ। मैं क्या बोलता हूँ, तुम अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करवा दो, सारा फसाद का जड़ खत्म हो जाएगा, क्या बोलते हो? फिर ये जमीन जायदाद सब तुम्हारा, बस एक बार लड़की को मनवा लो तो, और बाकी तो तुम समझदार पूरी हो। तुम्हारे मीठी मीठी बातों से मैं फंसने वाला नहीं हूँ। पहले सारे जमीन जायदाद का कागज मेरे नाम कर दो, फिर बेटी की बात करना, समझे? तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे मुंह पर मार के। तुम ऐसे गंदी बात करोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? ये बकवास मत करो। एक तो मेरा कर्जा चुका नहीं पा रहे हो, ऊपर से बकवास किए जा रहे हो। देखता हूँ आगे से तुमको मदद कौन करता है। आखिर में तुमको मेरे पास ही आना होगा दुम हिलाने के लिए। यहाँ सब तुम्हारे दुश्मन है, कोई भला नहीं चाहता। बकवास बंद करो। मैंने जो कहा था उसके बारे में भी सोचो। क्या बोला? हम खोल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख 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 मैं क्या करता हूँ। ये ले ये ले ये ले ये ले। ले जाओ अपना हथियार फेंको। अरे गुंडागर्दी करता है, चल। बापू बापू क्या हुआ? बापू मेरे बापू को क्या हुआ? दारू के अड्डे पे किसी के साथ हाथापाई हो गई। आप इन्हें यहाँ ले आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आप अपना ख्याल रखिए बेटा। रुक आराम से बापू। रुको मैं ठीक हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। बापू आज से अपना आराम करना। बेटी लगता है तुम जो बोल रही हो वही करना होगा, लेकिन आज अगर इंस्पेक्टर साहब नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं बचता। हाँ बेटी ये तो सही वक्त पे आ गए। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो ये सब देख के दुखी हो जाती। मैंने अभी सोच लिया, आज के बाद शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, ये मैं कसम खाता हूँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची। रुक जा मैं बोलता हूँ।
अरे आप, बापू तो घर पर नहीं है, शाम को ही लौटेंगे। अगर पहले पता होता तो जाने के लिए नहीं कहती। तुमने अभी अभी यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है क्या? नहीं तो, आप ऐसा क्यों कह रहे? तुम तो अभी अभी बाहर थी, लेकिन अचानक ये कपड़ों में। अच्छा, मैं तो ऐसे कपड़े रोज ही पहनती हूँ, और भला इन कपड़ों में क्या मुझे शर्म आनी चाहिए? तुम तुम्हारा ड्रामा बंद करो, तुमने ही डकैती की होगी। डकैती? क्यों? मैं थोड़ी ना किसी डाकू बापू को जानती हूँ। ज्यादा चालाक मत बनो, अपना भेष बदल के नौटंकी करके तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। खुद को कानून के हवाले कर दो। चलो। अरे छोड़ो मेरा हाथ। सलाम साहब, देखो बंदी आपके सामने हाजिर है, बैठो बैठो। एक बात बताओ इंस्पेक्टर साहब। क्या है? आजकल ना पहले जैसे बात ही नहीं रही। क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? लेकिन सारी दुनिया को पता है, मुझे भी पता है। अगर आप कहो तो बोल दूं। आपको पता है ना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तो तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है, बताओगी जरा? गुजारा आपको पता नहीं, अभी बताती हूँ। ये लड़की बंद कर तेरा नाच गाना। समझ अच्छा गया, मतलब तू ये सब करती है? अब मैं समझा। हा? चल ठीक है, तू जा सकती है। बस ये हुई ना बात, मैं चली। हाँ पर इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब जाती है कि नहीं? अच्छा, लेकिन तुझे अगर किसी बात की परेशानी है तो मुझे आके बताना, ठीक है? सच? चल जा। तो मैं चली तो चली। पगली गई की। सर, इसने डकैती की है। अरे ये तो अभी आई थी, ये नाच गाना करती है। लेकिन सर, ये लड़की, तू अभी जा। ये सर। मगरू, लगता है सामान इसके पास है, इस पे नजर रखो। एक बार वो सामान हमारे हाथ लग जाए फिर इनका काम खत्म। साहब जी, मैं धनीराम हूँ, पास के गांव में रहता हूँ। मेरी जान को खतरा है, इसलिए ये अमानत आपके पास रखने आया हूँ। इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कहाँ हो सकती है साहब? आजकल मैं बहुत परेशान हूँ डाकू के वजह से, जान जोखिम में है मेरी। मुझसे क्या चाहते हो? कृपया ये अमानत आप अपने पास रख लो, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कब लेके जाओगे ये सामान? सही वक्त आएगा तो ये सामान मैं खुद ही लेके जाऊंगा यहाँ से। साहब जी, ये मेरा सामान अलमारी के अंदर छुपा के रख लीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप बेफिक्र होकर अपने घर जा सकते हो, चिंता की जरूरत नहीं। आपका भला हो, ऊपर वाला आपका भला करे। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी तरक्की हो जाए। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, बाबूजी, बचा लीजिए। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे क्या बताऊँ साहब, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे, मैं यहाँ छुप के चली आई। मुझे तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे कोई, कहाँ है गुंडा? मुझे वो वहाँ होंगे। कहाँ होंगे? अभी मुझे थोड़ी ना पता। तुम्हें अगर परेशानी है तो यहाँ रुक सकती हूँ। सोच लो, मैं आ जाऊँ? हाँ। तुम्हारी मर्जी, बदल तो नहीं जाओगे ना? बदल जाना हमारी फितरत में नहीं है। अरे रुको तो। तुम यहीं रुको, मैं बाहर सो जाता हूँ। नहीं नहीं साहब, तुम नहीं जानते, वो लोग बड़े चालाक हैं, उनके पास बड़े बड़े चाकू हैं। अगर आपको कुछ हुआ तो? हम पुलिस वाले हैं, खतरों से खेलना हमारा काम है।
तुम चिंता मत करो, सो जाओ। पुलिस वाले है तो क्या हुआ, है तो आखिर इंसान ही ना। देखो आज के बाद मैं यही रहूंगी, यही खाऊंगी, यही सोऊंगी। देखो तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे? डर गए? नहीं नहीं, तुम उस रूम में सो जाओ। उस वाले? नहीं नहीं, मैं तो यही सोऊंगी, तुम जाओ उसमें। ठीक है। हाँ कुछ जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना, ठीक है? अब मेरा माल खा। दरवाजा खोलो। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आपके खिलाफ इन्होंने शिकायत की है। ये कह रहे हैं कि इनका कुछ सामान आपके पास पड़ा है और कुछ पैसे भी। क्या बक रहे हो तुम? इंस्पेक्टर इन्होंने मेरा सामान और पैसा अपने हाथों से रखा है। इस मामले में आप क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर ये खूब, इंस्पेक्टर ये झूठ बोल रहे हैं। आइए आइए मैं सामान दिखाता हूँ, आइए। ये हाँ एक मिनट, देखिए देखिए, नहीं है कुछ भी नहीं है, मेरा सामान है ही नहीं। इंस्पेक्टर सामान पक्का यही पे था। झूठा इल्जाम लगाते हो, छोटा इल्जाम के चक्कर में तुम अंदर भी हो सकते हो, जानते हो, और पूरी जिंदगी भर तुमको चक्की भी पीसना पड़ेगा जेल में। हवलदार ले जाओ इसे, झूठ बोलने का अंजाम इसे सिखाओ अच्छी तरह से, ले जाओ। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा सामान। बाय द वे ऑफिसर, आपके घर से ये बरामद हुआ है। थैंक यू थैंक यू। आइए आइए आइए, इनके लिए पैक बनाओ। मैंने शराब छोड़ दिया। अच्छा शराब छोड़ दिया? अरे साहब शराब छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, पर हमारे धंधे का उसूल कभी भूलना नहीं, एक हाथ देने का और एक हाथ लेने का। क्या साहब क्या बोलना चाहते हो? अरे इनको समझाओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, खुल के बोलो। मैं जा रहा हूँ। अरे आप क्यों नहीं समझते हो इनकी बात? अरे हमारे साहब जी का तो मजाक करने की आदत है। अच्छा मजाक कर रहे थे? तब तो ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था आपसे, जरा समझो मेरी बात को। हाँ साहब जी, आज तक इन्होंने मेरे से बहुत उधार लिया, लेकिन इस उधारी के बदले में हमने कुछ नहीं कहा इनसे। आपके घर पे जवान बेटी है, वो चाहे तो सब चुकता कर सकती है। ये आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मुझे समझाइए जरा क्या बात हो रही है। अरे आपकी बेटी बहुत सुशील और गुणवान है, वो चाहे तो सारे कर्ज उतार के दे सकती है। अरे यही बात तो मैं कब से समझा रहा था, ये समझने के लिए तैयार ही नहीं था। आप लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो सेठ जी, आपकी जो बेटी है उनके साथ इनकी शादी करवा दो, मामला सुलझ जाएगा और आपके ऊपर कोई उधारी भी नहीं रहेगा। आप लोग का एहसान होगा, बहुत बड़ा एहसान होगा। आपकी बेटी को बोलना मैंने याद किया। जयराम जी, ये बुड्ढे को मैंने कब से समझा के थक गया, आखिर में जाके ये समझ ही गया। पर जब तक शादी नहीं हो जाती। तुम बिल्कुल फिकर मत करो, ये मेरा वादा है तुमसे। हाँ जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था, यहाँ अंदर हवेली में। वो काम हुआ कि नहीं? अब
बच के कहाँ जाओगे? अब बोल, क्यों आया यहाँ? तुम्हारा लूटा हुआ सारा पैसा लेने। जी, की हाल है तारा? कौन हो, क्या चाहिए? एक गल दसा, मैं तेनु मिलने आ गया। मने ई दसो कि पहले हुआ क्या है तेरे संग, जरा खुल के बताइयो। लेकिन आप कौन हो, आपको मैं क्यों बताऊं? मतलब ई जे हम सोच रिया से वो पक्का सुहाने सच है। गोल मोल पोल खुल जा सिम सिम, सरदार दी मौज दी कसम। क्या तुम अपने आप को जादूगर समझते हो? क्या मेरे सारे प्रॉब्लम का हल तुम्हारे पास है? तुम जैसे बहुत देखे हमने। मैंने भी बहुत देखे हैं। एक बात बताओ सरदार जी, हमारा काम करके तुम्हें क्या मिलेगा? और ये भी बताओ कि हमारा काम करके तुम्हारा इसमें क्या फायदा है? वही तो मैं सोच रही थी, तुसी कहो। हाँ बिल्कुल, इन सब में हमको क्या फायदा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, समझो। करोड़ों का माल हथियाता होगा, इसमें हमको भी कुछ मिलना चाहिए ना? तुम बोलो। मेरी गल मान जा। तुम्हारी क्या बात मानूं? ए छोटू, बोले क्या? मेरे पास एक कीमती सामान है। जानता हूँ। ये तुम्हें कैसे पता? ये जो सामान है ये करोड़ों का है। इसे बेच के हम काफी मुनाफा कमा सकते हैं। अगर ये सौदा कर सकते हो तो बहुत माल मिलेगा और तुम्हारा बहुत फायदा होगा। ओ, मेरे पट्टे बहादुर। चला जावांगा। जाओ। देखो, जो तुम लोग नहीं कर सके वो हमारे बच्चे ने कर दिखाया। सरदार, जरा देखो तो ये असली है या नकली? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे ये तो नकली है। हाँ रुक जाओ। अरे ओ समा, जरा देखो तो, देखो ये हाथी असली है या नकली। सरदार, ये तो नकली है। हाँ, नकली? नहीं बापू, मैं असली हाथी लेकर आऊंगी। मैं एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ऑफिसर, इसे अच्छी तरह देखो। यस सर, इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से मालूम है। हेडक्वार्टर से ऑर्डर है इसे पकड़ना है। जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करो, हमारे पास समय बहुत कम है। ये सर, और हाँ, उस मूर्ति के बारे में कुछ खबर है क्या? खबर मिले तो मुझे। जी सर, जल्दी बताओ। ये सर, बोलिए साहब, क्या खबर है, कैसे आना हुआ? मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा मैं आपसे मिलता जाऊं। आपकी मेहरबानी, बैठिए। आजकल बिजनेस करने में काफी कठिनाई आ रही है। सही बोला आपने। बोलिए बोलिए, मैं क्या कर सकता? वो क्या है ना, आते जाते ट्रकों को रोक रहे हैं। ये रोज का बंदोबस्त है। ये सब कार्रवाई में हमें बहुत परेशानी हो। अरे ये तो सरकारी काम। अरे इसके लिए तो बीच का रास्ता ढूंढ रहे साहब। ना रहे बास और ना बजे बांसुरी। बस थोड़ी सी आपकी मदद मिल जाए तो। हमें आपके डिपार्टमेंट से थोड़ी सी मदद मिल जाए तो हम दोनों का फायदा हो सकता है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। अरे आप, अच्छा तो मैं चलती हूँ, आप दोनों लोग मिलकर बातें करो, ठीक है? मैं शाम को आऊंगी। अरे आप बैठिए ना। और बताइए, आपका नाम क्या है? मैं हिना। अच्छा। हाँ, बाबूजी को भी बहुत पसंद है। तुम कुछ कहना चाहती हो? असल बात ये है, उनकी तो बात ही कुछ खास है। वो मेरे बापू है ना, मेरी छोटी छोटी बातों का बहुत पसंद करते हैं। अरे बेटी, तू घर पे है? बापू आ गए। हाँ बेटा। बापू,
ये नमस्ते। अरे आपका कैसे आना हुआ? अरे आपने तो चाय भी नहीं ली। ऐसे नहीं, आपके लिए मैं ठंडा लेकर आती हूँ। मेरी बेटी बहुत सुशील है। अरे अंकल, आपकी बेटी के लिए मैं एक तोहफा लाया, लीजिए ना। अरे ये इसमें क्या है? साड़ी है। इसकी क्या जरूरत थी लाने की? तुम हमारा काफी ध्यान रखते हो। हाँ बेटा, हाँ, शाबाश शाबाश बेटा, बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ बापू? बेटी, इसने तेरे लिए कपड़ा लाया है और बहुत प्यार से, लगता है तू उसे पसंद आ गई। दे 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 शरबत, दे शरबत, दे जल्दी। हाँ लिख सर। क्या आप नहीं पियेंगे? वो क्या है कि मेरी बेटी थोड़ी सी शर्मीली है। ये सब की क्या जरूरत थी? हाँ, ये शर्मिली तो है लेकिन बहुत गुणवती है। वो तो मुझे देख बहुत दिनों के बाद इसे खुशी मिली। मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी क्यों? बैठी बैठी बैठी, खाना खा के जाइए आप। आज आपको बेटी खाना तैयार है क्या? हाँ खाना खा के जाएंगे आज। हाँ आज बड़ा मजा आएगा। आप बैठो, अभी मैं आया। क्या हम कहीं घूमने चले? अगर तुम कहो तो। जैसा आप ठीक समझे। वैसे इस मामले में मैं क्या बोलूं? आप तो हो ही ना, अब आपसे क्या कहूं? मैं आपको सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हें दिल दे बैठा हूँ। और हमारी शादी, अगर बापू ने चाहा तो वो ही इस बारे में बात करेंगे। और जानते हो वो क्या कहेंगे? आप जैसा शरीफ, समझदार और सच्चा इंसान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है पिताजी क्या कहेंगे? वो हाँ कहेंगे। अगर उन्होंने इनकार किया तो मेरे सिवा तुम जिंदगी जी लोगी? जब तुम मेरा हाथ मांगोगे तो वो हाँ कह देंगे, हाँ ना? मुझे तुम पे पूरा भरोसा तो है, पर कहीं तुम वो कातिल तो नहीं? कत्ल? आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं खून क्यों करूं? ऐसा नहीं हो सकता। बापू की बेटी होने के नाते मैं इस खून का इल्जाम अपने सर ले लूंगी, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। खैर छोड़ो, ये तुम अपने पास रख लो। आज इस खुशी के मौके में थोड़ा थोड़ा जाम हो जाए, हाँ फिर तो धमाल होगा, मस्ती होगी। लो लो तुम भी लो, मैं शराब नहीं पीता, इसके लिए शुक्रिया। तो आप शराब नहीं पीते तो क्या पीते हैं आप? अरे कोई है, इनके पसंदीदा चीज लेके आओ। सेठ जी मैं क्या कहता हूँ? तुम खुद ही समझदार हो, क्या लाना है तुम्हें अच्छी तरह से पता है। और बताइए आपका बिजनेस कैसा चल रहा है अभी? मैंने तो सारे बंदोबस्त कर दिया, उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही हो। ओ, ये सब तुमने किया? हाँ, मुझे लगा अपने आप कैसे ये सब ठीक हो गया। आओ बैठो। चीयर्स। लो पियो, ये तो शरबत है, पियो। बेचारे का हो गया क्या काम से? ये
ये कौन है? फोटोग्राफर है, आपने ही तो बुलाया था ना कुछ फोटो खींचने के लिए, तभी तो उसको लेके आया। पहले क्यों नहीं बोला? आपने तो कुछ गेट आउट, आई से गेट आउट। पता नहीं कौन कौन आके टपकता है यहाँ पे, ठीक से ध्यान रखा करो, एक तो पुलिस वाले का मुसीबत। कैसा पागल आदमी है, पहले तो बोला अभी मना कर रहे हैं वो, पता नहीं इसका क्या होगा। दूल्हे का काम तमाम, ध्यान में रहे ये होश में ना आ जाए। अभी मैं बनूंगा दूल्हा, इसको कोई सुनसान जगह पे छोड़ के आओ। सावधानी से, अगर कोई चालाकी करे तो। आने में देरी हो गई, क्या मालूम है कितनी मुश्किल से ये घड़ी आई है, वो भी काफी इंतजार के बाद। अरे ये क्या हुआ, आपकी आवाज में फर्क। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, शायद इसके वजह से आवाज में फर्क हो गया है। ऐसे में ज्यादा खुशी में होता है कभी? तुम तो समझदार हो, समझ सकते हो, पुलिस वाले का काम तो हो गया, पर मैं तुम्हें आज बाहों में लिपट लूंगा। पुलिस? कौन हो तुम? मुझे भूल गई? मुझे भी नहीं पहचानती हो? चले जाओ, मुझे मत छोड़ो। आ जाओ, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा आज। आजा, आजा मेरी बाहों में यहाँ, आज मैं तुझे खुश कर दूंगा। आजा, 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 मना मत कर, आजा, आजा मेरी जाने मन, आजा मेरी बाहों में, आजा। तू मना मत कर, छोड़ दो मुझे। आज मुझे खुश कर दे तू, मैं तुझे खुश कर दूंगा, मेरी बात समझ। आज मैं तुझे जिंदगी भर खुश रखूंगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ऐसा मत कर, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आजा, आजा, आजा मेरी बाहों में, आजा, 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 आजा मेरी बाहों में, आजा, 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 आराम साथी, देख, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, तू मेरी बात नहीं मान रही है। पिछड़ो, कैसे बोल सकता है तू? ये बंदूक और गोली से मैं नहीं डरता, समझिया? तूने ये जो सारा रास गरबा खेला है ना, तू क्या बोलना चाहता है? इसके बारे में मेनू सब पता है, सब पता है, समझ गया? इसके बारे में? हाँ जी, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर तूने मेरी गल नहीं सुनी तो ये बंदूक की गोली तू जरूर सुन लेगा। इससे अच्छा है तू मेरी सारी बात दस, नहीं तो ये बंदूक तेरे को दस लेगी। अरे कैसी बात करता है तू? हाँ जी, तू तो मेरा यार है, तू उससे क्या छुपाना, क्या छुपाना।
देख तू मेरे साथ काम करेगा तो माला माल हो जाएगा। जरा समझ के काम करना होगा, समझा क्या? तू जानता है मेरे पास जो माल है ना वो करोड़ों में बिक सकता है। वाह कुड़े वाह, समझ गया? चंगा गेम खेला है, सही है ना? हेलो कौन बोल रहा है? बॉस आप फिकर मत करो, बहुत जल्दी मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूँ, आपको बहुत जल्दी माल मिल जाएगा। और कितनी देर? सरदार जी, ओ सरदार जी, अरे कहाँ हो आप? आपका गेम मुझे समझ में आ रहा है, आप कितना भी झूठ बोल के मुझे फंसाने की कोशिश करो लेकिन मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ, तुम्हारा प्यारा सरदार जी। आपको नहीं पता आप कहाँ पे हो और हमें भी नहीं पहचानते आप? अरे बेटी तू यहाँ क्या कर रही है, तू हमें कैसे नहीं पहचानती? मैं किसी को नहीं जानती, सच कह रही हूँ। पता नहीं आज इसको क्या हो गया, हमें पहचानने से इनकार कर रही है। तू तो मेरी शेरनी है। चाचा जान, शेरनी तो मैं हूँ। अरे ये क्या, तू मेरी बेटी है तो वो कौन है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे चाचा वो जो लड़की वहाँ बैठी है ना वो मेरी हमशक्ल है। अच्छा, बचपन का कोई राज ही रहा होगा। राज क्या होगा, बचपन से मैं अकेली ही हूँ, बूढ़े बाबा है, माता पिता, वही सब कुछ मेरे लिए है। वो तो कब का मर चुका है। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, मेरे पिता मरे नहीं। इस लड़की को कुछ भी नहीं पता। ए समा जी उस्ताद, उस लड़की को लेके जा, कुछ भी अनाप शनाप बक रही है। अब मैं समझा, ये सब किया धारा उस शहर वालों का है। मैं कसम खाता हूँ उसको जब तक मौत की नींद सुलाना दूं मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, हरगिज नहीं लूंगा। चलो मेरे साथ। चलो फिर बापू। हिलना नहीं, तेरी सारी करतूत मेरी समझ में आ चुकी है, अभी ज्यादा चालाकी नहीं। ऐसा लग रहा है मुझे अब पुलिस को बुलाना पड़ेगा, यही एक तरीका है। रुक जाओ, अगर पुलिस को बुलाया तो मेरी सारी गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। याद रख अब तो बचेगा नहीं, तेरा आखिरी वक्त आ चुका है। मुझे पता है तू ही वो खूनी है जिसने मेरी बेटी को अनाथ किया है, अब भागने की कोशिश मत कर और मेरे साथ चल। ठीक है चलता हूँ। चल, अब रुक क्यों गया? तूने अब तक जो गुनाह किया उसकी सजा से डर लग रहा है क्या? बोल हरामखोर, और कब तक लोगों को धोखा देगा? बोल बोल, नहीं तो यही तेरा काम तमाम कर दूंगा। मुझे मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं तेरी जिंदगी बना सकता हूँ। मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे तू? तू भी तो एक डकैत है। हाँ हूँ, मुझे शराफत सिखाने चला। ज्यादा मुँह चलाना बंद कर और शराफत से मेरे साथ चल। मैं नहीं चलूंगा तेरे साथ, चलता है कि नहीं देख तेरे पीछे कौन है। देख अभी भी मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू मेरी बात मान जा, अभी भी समय है, मान जा। कमीने, भले हम डाकू है हम में भी ईमान है, थोड़े पैसों के लिए तेरी तरह बिक नहीं जाते। याद रख मैं वापस आऊंगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, साला भाग रहा है। कहां मर गए थे तुम लोग, ये मुझ पे हमला किया था, सारे के सारे निकम्मे हैं, जाओ उसका पीछा करो। कोई भी हाल में वो मुझे जिंदा चाहिए, जाओ। Ah.
हिना तुम? बापू तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या पहनी हुई हो? मैं बाद में आपको सब कुछ समझाती हूँ बापू, पहले आप मेरे साथ जल्दी चलिए। कहाँ जाना है? ये कौन है? इनके साथ क्या रिश्ता तेरा? ऐसी बात नहीं है बापू, पर जो जानती हूँ वही सच है बापू। आज से तकरीबन 20 बरस पहले मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बापू उस वक्त जो हादसा हुआ था मुझे याद है, मैं आपकी बिछड़ी हुई बेटी लीना हूँ। आपने पहचाना? बताइए मुझे सच क्या है, खुल के बता। तेरी अधूरी बात मुझे समझ भी नहीं आ रही। सर जाने के बाद क्या करेंगे बापू? अरे मुझे तुझ पे भरोसा हो जाएगा, फिर जो तू बोलेगी मैं मान जाऊंगा। पहले तो अंदर से मेरा सामान तो ला। बापू अभी आई। बड़ी भोली है मेरी बेटी। इस आदमी का ध्यान रखना, कोई तकलीफ नहीं होने देना। मैं आता हूँ। जी बापू। बेटा ये गंदा हो चुका है, इसे तू धो देना, ठीक है? ए चल चुपचाप चल, अरे छोड़ो मुझे। चरी नहीं, हाँ कहाँ लेके जा रहा है समझा क्या? छोड़ चल। सेठ इसका काम तमाम कर दूं? अरे हंस मत, तू क्या मारेगा मुझे? बेटा हाँ? तुझे तो हर काम आता है, पर ये क्या? क्या बापू, थोड़ा थोड़ा तो आता है, बोला था ना। वैसे घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ ना, जैसे कि बर्तन धोना, ऐसे तो सब काम आता है। देखिए आटा गूंथती हूँ, रोटी बनाती हूँ, आलू बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ, कड़ी बनाती हूँ, झाड़ू मारती हूँ, सबका सब करती हूँ। अब ठीक है, अब मैं जाऊँ? और मेरा क्या? अरे आप नहीं, हम सब मिल बांट कर करेंगे, है ना? चाचा जी। अरे हिना देखो, दरोगा साहब मिलने आए हैं। साहब ने आपको बुलाया है? लेकिन क्यों? वो मैं नहीं जानता, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। लेकिन इस वक्त? लेकिन वो तो साहब ही बताएंगे। ठीक है बेटा, हम दोनों साथ में चलते हैं, तुम तैयार होके आ जाओ। हाँ बापू। सुनो बेटी, फिलहाल तुम इनके साथ चले जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। और डरने की कोई बात नहीं, तुम बेफिक्र होके जाओ, मेरी नजर रहेगी। ये हमें कहाँ लेके जा रहे हो? चुप रहो। ए चलो उतरो। जोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। रुको। अरे आप मैं तो समझा पुलिस वाले हैं। ये सारे लोग
मेरे ही है, मेरे इशारे पे काम करते हैं। पर इस तरह से हमें बुलाने का मतलब? तो बात को समझ नहीं रहा है बुड्ढे, ये लड़की भी मेरे लिए काम करती है। बेटा ये क्या है, ये क्या बोल रहा है? एक मिनट बापू। तेरे को पता नहीं है ये मेरी जाने मन है। सारे कमीने। अरे तू बुड्ढे, तेरी ये हिम्मत, तू मुझ पे हाथ उठा रहा है? तू देख मेरी, मैं तेरा क्या करता हूँ? देख देख, मैं तुझे आज टपकाता हूँ, देख ले जा इसे। अरे तू कहाँ जा रही है? तेरे से तो मुझे अलग हिसाब किताब करना है। ब्रेक नहीं लग रहा है। देख ये क्या हो रहा है? नहीं। भागने की कोशिश मत कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मेरी बात मान ले, अभी के लिए तुझे छोड़ रहा हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा। ज्यादा जिद्दी मत बन, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब तक मैं आता हूँ तब तक सोच ले तू, समझी? तेरी भलाई इसी में है। बुड्ढे को तो मार डाला और लड़की को भी अपने कब्जे में कर लिया। अब बचा उसका बाप, वही डाकू। कब तक भागेगा? मैं कहीं नहीं भागा हूं। तुम्हारी मौत बन के आया हूं आज, तैयार हो जा। अरे जा रे, इतना आसान नहीं मुझे मारना, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, अब तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या बक रहा है तू? अपने बकवास बंद कर, मैं चाहूं तो अभी खत्म कर दूं तुझे, क्योंकि तेरी बेटी मेरे कब्जे में है, मैं जो बोलूंगा तुझे करना। हरामजादे, तेरी ये कोई नई चाल तो नहीं है? इस बार कोई चाल नहीं चलेगी। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, तेरे सच का क्या भरोसा कमीने? बेवकूफ इंसान, सच तुझे झूठ नजर आ रहा है? तुम कहो तो नमूना पेश करता हूँ तेरे सामने। मैंने सच बोला, तुझे झूठ लग रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आखिर में मैं तेरा भला चाहता हूँ। तेरी भलाई तेरे पास रख कमीने कुत्ते, बकवास मत कर, चल दिखा मुझे क्या दिखाना चाहता है, चल। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कमीने, हमेशा की तरह फिर चाल खेल गया तू। कौन हो तुम? यहाँ कैसे चले? जाने मन, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। उस दिन तो बच गई थी, आज कौन बचाएगा तुझे? मैं चाहूँ तो तुझे रानी बना लूँ, डमरू बजा के। क्या बोलती है? मैं तो शरीफ इंसान हूँ, शराफत से आजा, तुझे खुश रखूंगा। आजा, चल चल चल।
बेटी। तुम मेरी बेटी हो ना, मेरी बेटी हो ना, मेरी बेटी, मेरी बेटी। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी से माँ हूँ। हाँ बेटी, आज से 20 साल पहले हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान के बवंडर में मेरी दोनों बेटियाँ मुझसे दूर चली गई। इस तरह से मैंने अपनी दोनों बेटियों को उस तूफान में खो दिया। बेटी, बेटी तुम्हारे बापू का मेरी आंखों के सामने उन दरिंदों ने खून कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सकी। क्या कहा? मेरे बापू, माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे बापू के खून का बदला सच में हम लेंगे। माँ, माँ तुम मुझे ये बताओ, मेरे बापू का खून किसने किया और क्यों किया? वो 3 लोग थे जो उस दिन मंदिर में आए थे। मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ बेटा, मैं क्या करूँ? वो चाहे जो कोई भी हो माँ, मेरी आंखों की नजरों से और हाथों के चंगुल से जरा भी बच नहीं पाएगा। तो मुझे बताओ माँ, कौन थे वो लोग? बताओ माँ, बताओ। क्या चल रहा है यहाँ? क्या बकवास कर रही थी तू? इसको बहला फुसला के क्या पट्टी पढ़ा रही थी बुढ़िया? सच बोल मुझे, नहीं तो नहीं बताएगी, नहीं बताएगी, बोल, चल जा। अब बता, बुढ़िया से तेरी क्या बात हो रही थी? मैं नहीं बताऊंगी। कहीं भागने का इरादा तो नहीं था? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वैसे मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या आप कब आने वाले हो? क्या बात है जाने मन? आप इस तरह से बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। हाय। साले कुत्ते, माँ के ऊपर हाथ उठाते हैं। बोल, अब बोल, क्यों बंद किया यहाँ पर? बोल, बोल। यूं खड़े खड़े क्या देख रहे हो? खोल मुझे जल्दी। रुक जा बेटी। माँ कहाँ जा रही हो? मैं उन जालिमों से अपना और अपने बाप के खून का बदला लेने जा रही हूँ। पिता के खून का बदला? ऐसे कैसे? तुमने तो उन दरिंदों को देखा तक नहीं, फिर उनसे बदला कैसे लोगी? बताओ बेटी, बोलो। पर जानती हो माँ, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। मैं अपने बापू को इंसाफ दिलवा कर ही रहूंगी। चलो माँ, आओ मेरे साथ। पर बेटी, तुम जाओ, मैं यहाँ रहती हूँ। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पर माँ, जाओ बेटी, मेरी लाडली, संभल के। ए बुढ़िया, तेरा खेल अभी खत्म हो गया, मैंने अभी सब देख सुन लिया।
मैंने उसे। अब तेरा खेल खत्म हो चुका है बुढ़िया, ऊपर वाले को याद कर। अरे चमेली भाई देखो, मैं नई मुर्गी को लेके आया। तो उस चुलबुले चमेली को यहाँ पर ले ही आया, अब कीमत भी बता। कीमत तो बाद में बताता हूँ, पहले इसको अच्छी तरह देख तो लो। इस चुलबुली पंछी को देखो जरा गौर से। लाया वो माल तो भरी है। चल हट बाजू, जरा मैं भी परख लूं कि है क्या इसमें। नहीं नहीं होता। अरे छोड़ो ना, ये नहीं है, बहुत मुश्किल से जान पे खेल के लाया हूं। अरे चुप्पे, इससे पूछ रही हूँ तो ये बता नहीं रहा, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तेरे लिए तो मैंने मुंह मांगी रकम दी है, अब तुझे कहाँ से जाने दूंगी। हाँ बेटा, कमाल की चीज है ये। चल, है ना, इसको नचवा के माला माल हो जाओगी। समझ में आई मेरी बात? भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाएगी, इनकी बात मान ले नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा। तो बता, तेरे बापों ने किन किन लोगों को मारा? पहले तो मंदिर में एक को मारा, फिर बाद में जंगल में एक को मारा। अच्छा, उसके बाद? इसके बाद मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा मोती। क्या बापू, गंजे सर पे तक कंघी क्यों घुमा रहे हो? दूल्हा बनने की तैयारी कर रहा हूँ। पर आपकी दुल्हन तो तैयार है। ये दिन के लिए तो मैंने कितना इंतजार किया था। तुझे क्या मालूम बेटा, मुझे तैयार होने में मदद तो क्या। बापू तुम्हारे शादी में मैं बहुत नाचूंगा। रात में अकेली थी, ना संग सखी ना सहेली थी। वो किसने खाया? फिर अरे रे 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 रे, ले गया हर तलाशी। Thank you.
तो मैं जिंदा था। आजा मेरी बाहों। लो 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 लो। अच्छा, तो हमशक्ल की शादी इंस्पेक्टर से हुई है। अरे तुम यहाँ हो? अरे आओ, मैं भी आ जाऊं। कितना मजा आ रहा है पानी में। अरे वो तो गिर गई। जाने दो जाने दो जाने दो, दूसरी खरीद लेंगे। नहीं, मुझे वो चाहिए। दूसरी दिलवा देंगे ना। नहीं ना, मुझे वो चाहिए। वो कैसे? ले आओ जाओ। ठीक है तुम रुको, ले आओ मैं लाता हूँ। जाओ ना। बेहया, मेरे बापू का खून किया। आज मेरे बापू की आत्मा को शांति मिल गई होगी। बाय बाय। और कैसे है सर? अरे कहां थे इतने दिन, कुछ पता ही नहीं चला मुझे। अरे मैं तो यहीं पे था, आपके और मेरे बीच में जो सौदा हुआ था उसी का हिसाब किताब करने के लिए वापस आया हूँ। क्यों नहीं, मतलब तुम आ चुके हो तो एक काम करो। गोली किसने चलाई? तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूं। रुको, जहां हो वहीं रुको। आज तू नहीं बचेगा। ए सुनो, इधर आओ। जी बॉस। ऊपर क्या चल रहा है देख के आओ। जी। क्या हुआ बॉस, वो नहीं मिली इससे काम चला रहे हो? क्या फालतू बात करते हो तुम? कुछ भी। मैं तो कहता हूँ उसके जैसा बदन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। उसके लिए आपको अभी 25,000 खर्च करने होंगे। 25,000? वो भी अभी देना होगा। क्यों दू? मजा लेने के लिए। और नहीं दिया तो? मैं तो तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। पहले मुझे भरोसा दिलवाओ फिर पैसा लेके जाओ, फिर देखेंगे ना। देखो बॉस, इस बार तो मैं सच बोल रहा हूँ।
फिर भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है, फिर इसमें आपका ही नुकसान है। अच्छी तरह से सोच लो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। बाय बाय। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो मैं दिलवा कर ही रहूंगी। ठीक कहती है आप मैडम। जानती हूँ, बस मुझे मौका मिलना चाहिए। ऐसा मजा चखाऊंगी कि भेड़िए जिंदगी भर याद रखेंगे। बोल, तुझे उसके बारे में क्या मालूम है? उठ, सच बता, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है। क्या मालूम है बोल, अगर झूठ बोला तो तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं, मैं आपके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? आप तो मेरे माँ बाप है, मैंने आपका नमक खाया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप यकीन करो, मेरे पास एक खुशखबरी है जो सुन के आप बहुत खुश हो जाओगे। एक बार सुन तो लो। पागल, तेरे सर में भी दिमाग है? बता अब क्या करना है। आप जिसको चाहते हो उसे मैंने कोठे पे देखा है नाचते हुए। सच में? हाँ। क्या कहा? हाँ, आइए आइए आइए, बस अब 2 मिनट रुकिए, मैं खबर लेके अभी आता हूँ आपके पास। आप यहीं पे रुकिए, जाइएगा मत। आज तक हजारों लड़कियां देखी, पर इसके जैसी लड़की कहीं और ही नहीं मिलेगी। आपको कैसे पता मैं कितना मेहनत और दिमाग लगा के इसको यहाँ पे लाया आपके पास? समझी, ये भागने की बहुत कोशिश की लेकिन हमने दबोच ही लिया। बात तूने 100% की एक कही है, तेरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये है सेठों का सेठ, बहुत दूर से आए हैं आपके कोठे पे। याद रखना, इनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी सब बातें छोड़ दो, कोई मेरे लायक कुड़ी हो तो बताओ बताओ बताओ। अरे चिल्ले, इतने देर से खड़े है, जाना इसी को बता दे। अंदर का माल सच्चा है ना? जाके देख लो आप खुद ही। तुम्हारी और मेरी माँ एक ही है। क्या हुआ सेठ, बहुत जल्दी आ गए? माल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी थी ना? ठीक ठाक है जी, चंगा है जी। हाँ जी, मैं चलता हूँ। आया हूँ, आया हूँ। हाँ, कितना देना होगा? कितना? समझ नहीं आता। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ? मुझे नहीं पता। क्या बोलता है, नहीं देने का? तो ठीक है, मैं ठीक है, चलो चलो, चलता हूँ। अरे ये सेठ लगा पड़ा था कब से, मैं आपके लिए इनको निकाल दिया, अभी आप चल सकते हो। अरे इतने समय से तू अंदर क्या कर रहा था, चल तू अभी चल। सेठ अभी आप अंदर जा सकते हैं, अभी तक नहीं, तू गए खींच के चल। और बताओ, नए सेठ के साथ कैसा रहा तुम्हारा? हाँ, उसको तो खुश कर दिया है ना, बोलो। पर बैजू, तुम्हें तो मेरे दिल के बारे में पता है ना बैजू? तुम ही बताओ, अब तुम्हारे रहते। हाँ हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुम फालतू की चिंता छोड़ दो और काम पे ध्यान दो, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हमेशा हूँ। चुप कर लंगूर। कौन है बे?
क्या रे भेजू, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? सच बोल। आउट, आई से गेट आउट। हाय जाने मन, कैसी हो? आप बड़े वो है, मुझे ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बगैर मेरा क्या हाल हुआ है पता है? अब चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ तुम्हारे पास हमेशा के लिए। प्यार करेंगे आज जी भर के, तुमको बाहों में लेके जन्नत की सैर करवाऊंगा, क्या कहती हो? तुम तो मेरी सपनों की रानी हो ना? यही मुस्कुराहट मुझे पागल करती है। तुम्हें क्या पता मेरी दिल की धड़कन के बारे में? धड़कन बाबू, इधर तो जरा देखो। अच्छा, सही है। अरे मैं मर जाऊं, लगाते नहीं। क्या हुआ? साला, इतने में हार गया, क्या फायदा तेरा? मर्द है कि क्या है तू? पता है तुझे मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया तेरे साथ? देख अभी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उठ उठ, हाँ उठ उठ, ये हुई ना बात, चल चल शुरू हो जा। देख मेरा कमाल कैसे पटका दिया इसको, मेरे जैसा कोई नहीं। इससे हार गए? कैसे हो तुम? ना 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 ना, मुझे देखा नहीं जाता, मैं ही जाती हूँ। मेरे माँ बापू का कत्ल करने के बाद क्या मैं तुम्हें ऐसे जानी दूंगी? ये कौन सी बात कर रही हो तुम? तुम नहीं जानते लेकिन मुझे सब पता है कि तुमने ही, अरे लेकिन मैं माँ और बापू का खून किया है और आप, तुम्हारी बारी है। हिलना नहीं वरना गोली दाग दूंगी। बताओ क्या कसूर था मेरे बापू का जिसकी तुमने हत्या की? क्या कसूर था मेरी माँ का जिसको तुमने मार दिया? मुझे मेरी बहन को पूरा जीवन अकेला बिताना पड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। मुझे माफ कर, समझे? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, हम आपस में बैठ के बात करते हैं ना? हा? सुनो मेरी बात। मेरे बापू का क्या कसूर था बोलो? और मेरी माँ का, उसको तुमने बंदी क्यों बनाया? बोलो क्यों बनाया? उसने क्या किया था? बोलो। तुम्हें उन पर जरा भी रहम नहीं आई? जरा भी नहीं? बोलो हरामजादे कुत्ते। भाग गया साला कुत्ता कहीं का, बच के कहाँ जाएगा? आज मेरे चुंगल से निकला है, कभी ना कभी तो फंसेगा ही। यह है आपकी अमानत,
मैंने जो उम्मीद की थी उससे बढ़कर किया है तुमने, शाबाश। मुझे खुश कर दिया तुमने आज ये सौंप कर। बिल्कुल, बहुत मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक पहुंच पाए हम। आपकी दुआ और आशीर्वाद साथ नहीं होता तो असंभव था। मैं भी बहुत बेफिकर था ये सारा धंधा तुम्हारे ऊपर छोड़कर। मुझे पता था तुम तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाओगे। इसी तरह काम करते रहो तो तुम्हारी तरक्की बहुत दूर नहीं है। बॉस, क्या हुआ? बॉस कोई मिलने आया। अच्छा? आपसे वो कह रहा है कोई जरूरी बात है। गेट आउट। हाँ जी, अपनी अधूरी बात पूरी करते हैं। तो हम क्या कह रहे थे? चलो कोई बात नहीं, बाकी की बात बाद में करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाय। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जाओ खत्म कर दो इनको। हैंड्स अप, हैंड्स अप। तरकीब लड़ानी होगी और उसे अपने चंगुल में फंसाना होगा। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या बोलती हो तो हम? शांत, हमें पता है कैसे। हमें अच्छी तरह पता है कैसे उसे हमारे चंगुल में फंसाया जा सकता है। भाग के जाएगा कहां? सही कहा, अच्छी तरह जानते हैं हम कि वो कैसे हमारे हाथ से निकल गया। अब हमें नई चाल चलनी होगी और इस तरह से फंसाएंगे कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। मुझे जरा सोचने दो। अरे आजा मेरे पास, चलो। अरे सुंदरी कहाँ जाएगी तू? आजा, 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 आजा। ये ले ले। अरे देखे तो जरा ये बहरपिया कौन है? केले पकड़, देखता हूँ मैं इसे। नहीं नहीं,
हट जा बाजू, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा आज। ये बेकसूर है। अब इसे कौन बचाएगा? बकवास बंद कर, अब तेरी एक भी नहीं चलेगी। चुप, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चल हट यहाँ से, हट। हम तुझे उसी दुनिया भेज देंगे जहाँ बाकी सब लोगों को भेजा है। अब तुम मौत का इंतजार कर, और ये इसे तो मैं अपनी बीवी बना के रखूंगा, तो इसकी चिंता मत कर। क्या वे साले कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो कितनी भी कोशिश कर ले, बच के जा नहीं पाएगा। समझे? चलो चलो, छोड़, चल चल, छोड़ मुझे, चल छोड़, चल। ये ले। हवलदार, गाड़ी निकालो। बोट आ चुकी है क्या? बोट यहाँ के लिए रवाना हो चुकी है। और कितनी देर में? थोड़ी देर में पहुंचने ही वाली है। कहाँ पहुंची? दिखाई नहीं दे रहा। उस पहाड़ के पीछे है, बस आ ही रही है। और थोड़ा सा इंतजार करते हैं, धीरज रखो। थैंक यू। क्या पुलिस? पुलिस और यहाँ? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। फिर ये आवाज शायद दूसरी कोई चीज की होगी। चलिए फिर चलते हैं। नहीं, यहाँ से तुम्हें अकेले ही जाना होगा अपनी मंजिल की ओर। थैंक यू। चलो चलो।
अब आ गया ना तो मेरे चंगुल में, अब बच के कहा जाएगा? तूने मेरे माँ बापों को खून किया है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब हो जा तैयार मरने के लिए। कानून इसे सजा दे। इसे सजा तो मैं अपने हाथों से दूंगी। इसे मेरे पागल मत बनो, कानून अपने हाथ में मत लो, इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या कर दिया तूने, कानून अपने हाथ में क्यों लिया? किस कानून की बात कर रहे हैं आप, जिसने मेरे माँ बाप के कातिलों को सरेआम जिंदा छोड़ डाला और हम बहनों को अनाथ जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिया? ले लो, मुझे हथकड़ी पहना दो, मैंने खून किया है। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए, ये मेरी बहन है। तुम्हारा पति? पति? पर उनको ये तक याद नहीं कि मैं उनकी पत्नी हूँ। ये लो ये फोटो देखो। हीना? हीना? क्यों?